नैनीताल में आम आदमी पार्टी की ओर से रोजगार गारंटी यात्रा निकाली जा रही है, जहां इस यात्रा का आज दूसरा दिन है। आपको बता दें कि यात्रा आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता कर्नल अजय कोठियाल की ओर से निकाली जा रही है। ये यात्रा भीमताल विधानसभा पहुंची, जहां भारी संख्या में आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। विनोद कुमार हमारे संवाददाता तो जुड़ चुके हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। विनोद, किस तरीके से क्या कुछ यहाँ पर आम आदमी पार्टी की तरफ से देखा गया? रोजगार गारंटी यात्रा का दूसरा दिन था। मैं आपको बताना चाहूंगा, जहाँ तक अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो अगर तो काफी लोगों का इसमें जरूरत में शामिल होना एक बड़ा सौभाग्य कहते हैं। अजय कोठियाल ऐसे व्यक्तित्व यहाँ पर खड़े हुए हैं जिसने कांग्रेस और बीजेपी को छोड़ के आम आदमी पार्टी की जो सरकार को नाकारा है, उन्होंने ये कहा कि हम आम आदमी पार्टी में शामिल होना चाहते हैं। जी, अगर इस यात्रा की बात की जाए विनोद, तो ये यात्रा जो है कहाँ से होकर गुजरेगी, कहाँ पर खत्म होगी, क्या कुछ पूरा रोड मैप इस यात्रा का और क्या एजेंडा आम आदमी पार्टी का है इस यात्रा के जरिए? जिनको मानिका मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो इनके एजेंडा है वो तो 70 विधानसभा में अजय कोठियाल जी अपनी बात को रखेंगे, जो कि रोजगार गारंटी है, 300 यूनिट बिजली की बात है, 24 घंटे बिजली देते रहेंगे, ऐसे इन्होंने संकल्प रखे हैं तो उनको आम जन के सामने डाल रहे हैं और वो 70 विधानसभा में अजय कोठियाल जी एक विचार कर रहे हैं। जी चलिए, शुक्रिया आपका विनोद तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड द जनतंत्र टीवी ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर। डाउनलोड इट नाउ।